हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल दलिया। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने यहाँ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने लिया है थोड़ा सा सब्जियाँ। तो देखिए, गाजर, बीन्स, आलू, मटर, गोभी एंड कैप्सिकम। यहाँ मैंने दो ग्रीन चिली लिए हैं, दो बड़े टमाटो लिए हैं, और मैंने लिया है एक अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ मैंने लिया है भुना हुआ दलिया, जो कि मैंने घर में ही भुना है। उसमें मैंने मूंग दाल और तुअर दाल मिक्स किया है। तो मैं एक कुकर में बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही क्विक बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो मैंने डाला है घी, उसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्यूमिन सीड्स और 3 से 4 लौंग, जो कि आपको खुशबू भी देंगी और टेस्ट भी देंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है, उसमें डाल दिया है मैंने अनियन और साथ ही मैं डाल दूँगी ग्रीन चिली। तो आपको पता है ग्रीन चिली का इतना अच्छा टेस्ट होता है कि आपको ऊपर से कोई भी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्पाइसी वाली ग्रीन चिली लिया है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब आप बोलेंगे दलिया में जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो आप बना के तो देखिए आपको कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी मैंने सब सब्जियाँ डाल दिया, लेकिन डाली जब हैं जब गार्लिक और अनियन अच्छे से भुन गया है। तो इसको मिक्स करके हम थोड़ी सी देर यानी कि 5 से 6 मिनट कुकर का ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। कुकर का ढक्कन हमें लगाना नहीं है, बस ऊपर से हल्का सा ढक देना है। इसको अच्छे से चला के अभी मैं डाल रही हूँ टमेटो। अच्छे से हम इसको चला देंगे काफ़ी अच्छे से, और 5 मिनट के लिए फिर से लगाएंगे। आप ये ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये बना लिया ना, ये खाया आपने, आप पुलाव भी भूल जाएंगे। नमक, हल्दी, हल्का सा गरम मसाला डाला है मैंने, चिली पाउडर और आधा लेमन। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने डाला है दलिया, जो कि मैंने एक बाउल दलिया लिया है, और ये मैं बना रही हूँ दो लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं दलिया कितना है और सब्जियाँ कितनी हैं। इसमें 1.5 कप ऑफ वाटर डालेंगे। तो मैंने सभी क्वांटिटी आपको अच्छे से बता दिया है, आप इस हिसाब से बनाएंगे तो आपका दलिया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खिला खिला और अच्छा बनेगा। तो इसमें बहुत सारा मैंने कटा हुआ धनिया डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी तक हम इसको सीटियाँ आने देंगे। याद रखिएगा 3 सीटी ही आनी चाहिए। अब अच्छे से गैस जब बिल्कुल ही अपने आप बंद हो जाती है, तब हम उसको खोल के देखेंगे। देखिए आप कितना ही देखने में अच्छा लग रहा है, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको खा लेंगे तो 100% आप पुलाव भी भूल जाएंगे, अगले दिन बोलेंगे मुझे फिर से यही खाना है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।